नमस्कार। हर इंसान के जीवन में पैसों और रुपयों का बहुत ही महत्व होता है और हर व्यस्क आदमी पैसों के लिए दिन रात मेहनत करता है, कमाई करता है, ताकि उनके जीवन में वो पैसे काम आ सके। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के 1.5 लाख रुपए खो जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालात होती होगी, क्या कंडीशन होती होगी। यह वीडियो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि व्यक्ति के 1.5 लाख रुपए खो गए और फिर उस व्यक्ति के लिए फरिश्ता बनकर आया एक इंसान, जिसे 1.5 लाख रुपए मिले भी और उसने फोन करके वापस उन्हें लौटा दिए। ये पूरा क्या मामला है, मैं उन्हीं लोगों से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये जरूर अपील करना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक भाई ने ईमानदारी का परिचय दिया है कि 1.5 लाख रुपए से भरा एक बैग उन्हें मिला, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं आया, उन्होंने अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए जिनका बैग था उन्हें वापस लौटा दिया। अब सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगा जिनका बैग खोया है। दरअसल ये भाई साहब हैं। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम जोराराम है, गांव बाटड हुए। घर के कोई जरूरी कार्य के लिए घर से 1.5 लाख रुपए लेके हम मार्केट में आए। मार्केट से हम सदर थाना की साइड में आए, तो वहाँ पर हमारे मेरे साथ में मेरा छोटा भाई था, उनके कंधों के पीछे बैग लटका हुआ था। बड़े बैग में एक छोटा बैग था जिसमें रुपये और कागजात थे, वो बैग कहीं गिर गया। फिर हमने काफ़ी देर बाद में देखा तो बैग गुम था। फिर अच्छा, आप 1.5 लाख रुपए लेकर गांव से आए, पहले आप बाजार गए या सिर्फ इधर यहाँ ही आए? सिर्फ बाजार से होते हुए इधर आए। पहले यहाँ किस लिए आए थे? हम, हमारे यहाँ कोई दोस्त रहता है। अच्छा, उससे मिलने जा रहे थे? सदर थाने के सामने, उनसे मिलने के लिए, चाय वाय पीने के लिए जा रहे थे। हाँ। वो दोस्त रूम पे नहीं था, हमने देखा बैग वहाँ पर, तो हमारे बैग से रुपये गुम थे। हाँ। और चैन खुली हुई थी। हाँ। फिर हमने तो सोचा वापस चले गए जिस रास्ते आए थे, बाजार वगैरह। लेकिन हमने सोचा हमारे पैसे अब गुम हो गए, वापस मिलने वाले नहीं है। पैसों से ज्यादा हमको दुख हो रहा था, हमारे उसमें सभी जरूरी कागजात थे। फिर थोड़ी देर बाद में कोई नए नंबरों से फोन आया, तो ये भैया बोल रहा था कि कौन बोल रहे हो, तो मैंने मेरा परिचय दिया और मैंने कहा भैया फोन बाद में लगाना, मेरा कोई बैग गुम हो गया है और उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ। तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत करो, बैग मेरे पास पड़ा है, मैं सदर थाने के सामने बैठा हूँ। हाँ। तो मैं और मेरा भाई दोनों हाँ। वहाँ गए। हाँ। तो हमको बिना कोई पूछे हाँ। इन्होंने बैग जैसे कि तैसा हमको वापस लौटा दिया। हमको तो इतनी खुशी हो रही है कि देखो कितनी ईमानदारी पेश की है, आज के समय में इतनी ईमानदारी बहुत कम। अच्छा, आप 1.5 लाख रुपए लेकर यहाँ आए थे, तो क्या सामान खरीदने के लिए आप लोग यहाँ पर गए? एक गाड़ी की किस्त भरनी थी। घरेलू सामान, घरेलू कोई फ्रिज है, कूलर है, ऐसा कोई खरीदना था। फर्नीचर का, फर्नीचर की दुकान पे आ रहे थे, खैराज राम जी की गई थे, सदर थाने के सामने दुकान है। अच्छा, फोन आपको कहा, सबसे पहले किसका आया था, किसने फोन किया था? तो जैसे ही हम हमारे दोस्त के रूम गए, दोस्त के रूम में दोस्त था नहीं। फिर हमने देखा भाई दोस्त यहाँ नया ही, हमारा जान पहचान वाला फर्नीचर की दुकान है, खैराज राम जी माँ बार के हैं। फिर उस हार्डवेयर की दुकान पे गए और हमने उन्होंने चाय वाय मंगाई, तो हमने देखा यार बैग की चैन खुली। फिर हम दुकान पे बैठे थे तो हमारे वो चैन खुली हुई थी, तो हमने देखा यार वो हमारे डॉक्यूमेंट और पैसे, वो बैग कहाँ गया? इस बड़े बैग के अंदर एक छोटा बैग था, ये बैग। अच्छा, ये बैग उसके अंदर था, वो लैपटॉप बैग था, उससे वो सैन आधी खुली रह गई। हाँ। और सैन दिल्ली खुल गई। अच्छा, और ये बैग गिर गया। कौन आपके, आप जब यहाँ पैसे खो गए, फिर सबसे पहले आप मार्केट चले गए ढूंढने के लिए? खैर राम जी करके इस दुकान के ऑनर है, इनको बोला भाई हमारे वो पैसे गुम हो गए हैं, बैग गुम हो गया। तो इन्होंने कहा यार ये कोई बात हो सकती है, अब वापस मिलने वाले शायद ही ये पैसे अंदर है। तो फिर हम मार्केट साइड में गए, मार्केट में ये रेलवे स्टेशन के पास जाके घूम के आए, वहाँ हमको बैग मिला नहीं। हाँ। वहाँ से हमने सोचा भैया वापस मिलने वाला नहीं है। फिर एक नए नंबरों से कॉल आया। हाँ। वो कॉल किसने किया था? रामा राम जी करके कोई बंदा बोल रहा था। हाँ। तो मैंने कहा भैया कॉल बाद में लगाना, मेरा बैग गुम हो गया है, मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो इन्होंने कहा टेंशन मत करो, आ जाओ। बिल्कुल, अब हम उस शख्सियत से बात करेंगे, जिन शख्सियत से आपको मिलना चाहिए, उन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि आज के युग में ऐसी शख्सियत आपको बहुत कम मिलेगी। अच्छा, बैग किसको मिला था? छोटे भाई। कहाँ है छोटे भाई आपके? अच्छा, ये शख्सियत आप देखिए, क्या नाम है आपका? ठाकरा राम। ठाकरा राम, कहाँ जा रहे थे और बैग कहाँ पड़ा था? मैं कोई मेरा मित्र आया था, वो सिंधी सराय बस चढ़ाना था उसको। हाँ। इसलिए जैसे ही रोड से निकला तो इस ब्रेकर पे बैग पड़ा था। ब्रेकर पे पड़ा था। हाँ। ठीक है,
वहाँ से ले लिया, तो जैसे ही लेते ही मैंने तो सेन खोला, सेन खोला तो वो 5-7 जितनी भी उसके अंदर गड्डिया थी वो पैसे थी। तो मैंने बाइक वापस घुमा के रूम पे गया, सब सोए हुए थे, ये बंदा बैठा था मेरा भाई, इसको बोला मेरे बैग मिला पैसे, ये बोल रहा है पैसे तो कहाँ है, पैसे नहीं है। तो मैंने बोला तू खोल ले, तो खोला तो पैसे है, तो बोला हाँ तू इसको छोड़ के आया बस पे पैसे, अभी मैं कॉल करता हूँ। उसके ऊपर नंबर लिखे थे बैग, बैग के अंदर डायरी थी, डायरी थी, अच्छा डायरी के अंदर इनके नंबर थे भाई साहब के। अच्छा हाँ, तब इसने फोन किया ये मेरा बड़ा भाई है। तो मन में ख्याल नहीं आया कि भाई बैग मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया है। वेरी गुड, वाकई में आपको सलाम करेंगे। अच्छा आपका भाई ये छोटा भाई है, सबसे पहले आपके पास आए तो क्या बोला इन्होंने? बोला बैग है, पैसे, बोला पैसे नहीं हो। अच्छा आप अपना पहले परिचय दीजिए आपके भाई का और आपका। मेरा नाम रामाराम है, हमारे यहाँ काम है, क्रेन का काम है। आप कहाँ से हो? मैं आरंग गांव से हूँ। आरंग, ये आपका छोटा भाई है? ये मेरा छोटा। आप किसकी क्रेन है आपके, मतलब आपकी खुद की क्रेन चलाते हैं? हमारी खुद की क्रेन है, हमारे पार्टनर आदू राम जी। अच्छा आदू राम जी की है। और अंधा राम जी। हाँ अंधा राम जी है, ये कहाँ के अंधा राम जी? अंधा राम जी यहाँ गुलाब सिंह जी है। ये गुलाब सिंह जी कहाँ के? ये पोंगल के। अच्छा ये भी आपके साथ काम कर? हमारा साथ है बिल्कुल। फिर आप बैग लेकर किसको कहा आपने? हमने बैग खोला, उसके अंदर कागजात, डायरी थी, डायरी के अंदर नंबर मिले, कॉल किया, उसी का वापस लौटा दे अपने कोई काम नहीं, सबसे मैं तो पैसे नहीं, उससे सर कागजात। बिल्कुल सही बात है। फिर आप कहाँ हैं, दुकान पर लेकर आए? नहीं दुकान पर नहीं आए, हम मोबाइल पर कॉल किया था। हाँ उन्होंने कहा वहाँ आ जाओ मैं आ रहा हूँ, ये बोल रहे हम फिर व्यस्त हो, तब हमारे बैग हमारे पास पड़े, आप ले जाओ। हाँ अभी आए खराब काम भी है, सब पैसा है। इनको सुपुर्द कर दिया। अब इनको जितना इनाम तो इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ऐसा जिंदगी भर इनका भूल नहीं सकते हैं। हमारे पैसों के ज्यादा वैल्यू कागज जीवन में 1.5 लाख रुपए कितनी बड़ी वैल्यू, हमने तो सोचा भी नहीं था भाई ऐसा कोई बंदा होगा। हाँ। और 1.5 लाख रुपए कितनी मेहनत करके मजदूरी करके 1.5 लाख रुपए कमाए जाते हैं, खून पसीने की कमाई, आज 1 रुपए की भी वैल्यू होती है और घूमना तो बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छा भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम खराज राम है। खराज राम जी कैसे आपको मालूम चला था? मेरे को मालूम तो ये मेरे कस्टमर ही है। अच्छा मेरे पास चाय पीने के लिए आए थे भाई। हाँ ये मार्केट गए हुए थे, मार्केट यहाँ पर कोई रूम में मिलने के लिए आए थे, यहाँ पर इनके कोई दोस्त था नहीं तो चलते हैं खराजी के पास में, इसलिए यहाँ पर आए। यहाँ का तो बैग का खुला खुला हुआ था, फिर ये बैग छोड़ के चले गए मार्केट, मार्केट चले गए। मेरे को बोला कि आप पीछे गली में देखो। मैं जाके देखा तो रामाराम जी ने इनका फोन आ गया कि हम रूम पे बैठे, बैग हमारे को मिल गए, इनको कॉल करो। कॉल किया ये वापस। अच्छा बिल्कुल, एक बुजुर्ग बा हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। बा का नाम है आप? हेमाराम जी। कहो गाँव है खड़ी। हेमाराम जी आज को आप उदाहरण देख रहे हो, 1.5 लाख भरोड़ो बैग जी और 500 भाई साहब उन्होंने ईमानदारी परिचय दिया, कितनी मोटी बात हम जो आपने लोग हुए तो कोई पैसा दे। अच्छा जिसके दिल में ईमानदारी होती है वही पैसा देता है वापस। सही बात, मिला हुआ पैसा कोई देता नहीं। आज के जमाने में इस प्रकार का ईमानदारी बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम ईमानदार रही है, ईमानदार बाकी निश्चित रूप से। आप देखिए कि कितनी बड़ी ईमानदारी का परिचय इन भाई साहब ने दिया है। 1.5 लाख रुपए से भरा बैग कहीं खो गया था और जैसे ही किसी भाई साहब को मिला तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक डायरी के अंदर फोन नंबर लिखे थे, उस पर फोन किया और उन्हें 1.5 लाख रुपए से भरा बैग पुनः वापस लौटा दिया।